अरे बेटा भाई। जी अब्बू आया। जी अब्बू बताएं। ये ले बेटा कुछ पैसे हैं, मार्केट जाके कुछ सामान खरीद लेना, कपड़े खरीद लेना और फुप्पो के घर त्योहारी दियाना। ठीक है अब्बू, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप चले जाते तो ज्यादा अच्छा रहता, फुप्पो भी खुश हो जाती हैं आपको देखकर। बेटा जितना कह रहा हूँ उतना करो, जबान मत लड़ाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे फहीम भाई जरा इधर आना। हाँ भाई क्या हुआ? एक काम करो, ये पैसे अब्बू को दे देना। अब्बू ये लो, ये पैसे अमन ने दिए हैं। बेटा ले जाके मार दे उसके मुंह पे पैसे, मैं उसकी दौलत का भूखा नहीं हूँ, वो मुझसे आके मिलता तो मुझे खुशी होती नहीं होती। जाके बोल दे अपने भाई को भूखा नहीं हूँ उसके पैसों का। बात ठीक है आपके अब्बू, लेकिन जैसा आप कर रहे हो वैसा ही आपके साथ हो रहा है। बेटा ये क्या बात कर रहा है तू, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ तेरा? अब्बू जिस तरह आप चाहते हो आपका बेटा आपसे आके मिले, ठीक उसी तरह आपकी बहन भी चाहती है कि उनका भाई उनसे आकर मिले। आपको क्या लगता है वो पैसे की भूखी है, वो आपके प्यार की भूखी है? और मैं आपका बेटा हूँ, मुझसे कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना। गिले शिकवों को दिल से मिटाएं, इस ईद को अपनों के साथ मनाएं। ईद मुबारक।